गुड मॉर्निंग, आज आपको पढ़ाते हैं स्त्री के रासायनिक गुण। ठीक, इससे पहले भी अमोनिया के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। ठीक, स्त्री के रासायनिक गुण पढ़ाए जा रहे थे। शेष गुण बच्चे जो आज आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, सबसे पहले इसमें है द्रव CO2 के साथ क्रिया। द्रव CO2 के साथ क्रिया, इसमें क्या होगा? उच्च दाब पर द्रव NS3, दोनों द्रव होने चाहिए। उच्च दाब व ताप पर द्रव NS3 द्रव CO2 के साथ क्रिया करेगी, अमोनियम कार्बामेट बनेगा। ये अमोनियम कार्बामेट है। ठीक, अमोनियम, यह अमोनियम आना है और ये कार्बामेट। तो इससे बैलेंस कैसे करेंगे? देखो CO2 है, देखो CO2 पूरा ही हो गया, ये NH2 है, NH4 है, इसका मतलब हुआ दो NH3 लगाएंगे। ठीक, क्योंकि एक NH2 ही हो गया, इसका एक एच बचेगा वो NH4 बना लेगा। ठीक, तो अमोनियम कार्बामेट बन गया। ये लगभग 30 एटीएम दाब पर ये क्रिया हो जाती है और फिर 135 से 150 डिग्री सेल्सियस दाब व लगभग 35 एटीएम दाब पर यह अपघटित होकर यूरिया बनाता है, यूरिया खाद हुई। उसका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। यह आपका जो है उच्च ताप लगभग 135 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप और थोड़ा सा इससे उच्च ताप लगभग 35 एटीएम ताप पर इसका अपघटन हो जाता है और यूरिया बनता है NH2CONH2। ये यूरिया है, निकल क्या जाएगा यहां से H2 और O, क्योंकि NH2CONH2 बनेगा, यहां से H2 और यहां से O, तो जानते हो क्या निकला? पानी निकला। ठीक, इस प्रकार यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, द्रव NS3, द्रव NS3 की द्रव CO2 से क्रिया होती है, तो पहले अमोनियम कार्बामेट बनता है जो इस ताप पर दाब पर या घटित हो जाता है और यूरिया बनाता है। यहां पर लिखेंगे द्रव CO2 के साथ उच्च दाब, क्योंकि एक एटीएम बराबर 760 में होता है, इसीलिए उच्च दाब हुआ ये। ठीक, भाई आपका एक एटीएम मतलब एक एटमास क्लियर बराबर क्या होता है 760 एमएम, तो 30 होगा तो उच्च दाब तो हो ही गया। द्रव CO2 के साथ उच्च दाब, ब्रैकेट में सकते हो लगभग 30 एटीएम, द्रव CO2 के साथ उच्च दाब पर अमोनियम कार्बामेट बनाता है, अमोनियम कार्बामेट बनाता है। जो उच्च ताप व दाब या ऐसे जो 130 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप व 35 एटीएम दाब पर, 35 एटीएम दाब पर यूरिया बनाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं या उर्वरक के रूप में कह सकते हो, फर्टिलाइजर्स जिसमें बोलते हैं। द्रव CO2 के साथ उच्च दाब पर क्रिया करके अमोनियम कार्बामेट बनाता है जो इस ताप व दाब पर यूरिया देता है। ठीक, या यूरिया बनाता है इस ताप पर, या इस ताप पर अपघटन पर यूरिया देता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो ये समीकरण हो गए द्रव CO2 के साथ। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है कि द्रव NS3 का क्रिया द्रव CO2 के साथ कराते हैं तो क्या होगा। रखी
उसके बाद देखिए अगली क्रिया है अभिकर्मक के साथ ही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकल के लिए भी मुख्य है। प्रेडिकल में भी एनएच फोर प्लस जो आए हैं, एनएच फोर प्लस आए हैं, ये शून्य वर्ग में है। जब इसकी पहचान करते हैं तो ये अभिकर्मक भी आते हैं। तो जब आपका एग्जाम्पल आता है पूछता भी आपसे है कि निस्तर अभिकर्मक क्या होता है, कि निस्तर अभिकर्मक क्या है, पहले तो ये अभिकर्मक समझेंगे फिर इसके साथ आप क्रिया पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो निस्तर अभिकर्मक क्या होता है, क्षारी पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, क्षारी पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड या पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के क्षारी इनको निस्तर अभिकर्मक कहते हैं। इसका सूत्र कैसे बनता है, देखिए के पर एक प्लस है, एच जी पर आपका दो प्लस है और आई पर एक माइनस होता है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर दो लगा देंगे, दो के प्लस हो गया, एच जी प्लस प्लस हो गया और आई आपका माइनस है तो चार आई माइनस हो गया। ठीक, टोटल आपका यह सूत्र बन गया, ये हो गया के टू एच जी आई फोर, के टू एच जी आई फोर। ठीक, दो प्लस चार प्लस और चार माइनस, पोटेशियम मर्क्यूरिक, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के क्षारी विलयन को, के क्षारी विलयन को निस्तर अभिकर्मक कहते हैं, के क्षारी विलयन को निस्तर अभिकर्मक कहते हैं। और जब अमोनिया गैस इसमें प्रोवाइड करते हैं तो भूरा उच्छेप आता है। ठीक, ये क्षारीय विलयन है, चाहे एनएच लगा दो या केओएच लगा दो, दोनों क्रिया लिख देंगे और इसमें प्रवाहित करेंगे एनएच थ्री। अब क्रिया आपको ध्यान से समझिए, यह आपका पोटेशियम मर्क्यूरी का उदाहरण है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसका क्षारीय विलयन निस्तर अभिकर्मक कहलाता है। जब अमोनिया प्रवाहित करेंगे तो भूरा उच्छेप आता है, तो भूरा उच्छेप किसका होगा वो देखिए क्या होगा, ये होता है मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड, मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड का क्षारी विलयन होता है। क्षारी के लिए आपको धातु का हाइड्रोक्साइड या धातु का ऑक्साइड, इसमें धातु का ऑक्साइड रहता है। यह आपको सूत्र याद नहीं होगा, इसके लिए आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम बताएंगे। ठीक, आप इस सिग्मा बनाते हो, जैसे मैं पढ़ा होगा सिग्मा योग को दर्शाता है। ठीक, ऐसे सिग्मा बना दोगे, इन कोनों पर एच जी लिख दोगे, यहां भी एच जी है, यहां पर एच जी है, चूंकि एच जी की बैलेंसी दो है इसलिए इसको यहां लगाया, वो भी यहां लगाएंगे, इसकी वैलेंसी दो है। ये सूत्र है, आसानी से ऐसे तैयार हो जाएगा, ऐसे आप भूल सकते हो कि दोनों लगे एच जी लगा लिया, यहां पर कोर लगा दिया, एक तरफ आई लगा दी चूंकि इसकी बैलेंसी एक है और एक तरफ एनएच टू लगा दी चूंकि इसकी बैलेंसी एक है। ठीक, ये आपका सूत्र बन गया, मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड का क्षारीय विलयन है। ठीक, इसी का भूरा अवक्षेप आता है, अवक्षेप है तो इसका नीचे निशान लगा दीजिएगा। अब यह थोड़ी सी बड़ी है, अगर ध्यान से समझोगे सब समझ आएगा। ठीक, ये हो गया
बेसिक मतलब छारी, मर्क्यूरिक, एमिनो आयोडाइड, एमिनो आयोडाइड। इसका भूरा अवशेष आता है, लेकिन भूरा अवशेष इसका भूरा अवशेष आता है, ठीक, अवशेष का निशान आगे लगा। देखो इसको कैसे बैलेंस करते हैं समझिए आपको। देखो ये क्या लिखा है, एचजी कितने, दो, तो एचजी है यहां पर, कहीं भी एचजी नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर है, तो दो लगाना आपको पड़ेगा। आपका के है और आई, के आई बनेगा, ठीक, के और आई, के कितने हैं, चार, चार के आई निकलेगा, चार निकाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। अब देखिए के बैलेंस है, एचजी बैलेंस है, आई कितने, चार दुनी आठ, और यहां कितने, चार ये है और एक ये कितने, पांच, आई कितने बचे, तीन, और तीन आई के लिए तीन एने लगाना पड़ेगा, चूंकि तीन एने आई निकल जाएगा, तीन एने आई निकाल दिया। अब प्लस में क्या बचा, अब देखिए आपके चार के वो भी खत्म, तो एचजी वो भी खत्म, आठ आपके आई वो भी खत्म, एने वो भी खत्म, यहां से एनएच टू चला गया, बचा क्या यहां पर, एच, केवल एच बचा। अब देखिए यहां पर तीन एच ये वाले बचे, एक को आपका यहां चला गया, दो यहां बचे। अब देखिए इससे क्या बनता है आपका, बोलो, चार एच और दो ओ, क्या हो गया, दो पानी, ठीक, क्योंकि एच और ओ मिलकर पानी बनाते हैं, तो दो पानी, ठीक है। इस तरीके से आपकी बड़ी समीकरण है, लेकिन आसानी से बैलेंस कर लेंगे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक। बस आपको ये मालूम हो कि भूरा अवक्षेप किसका बनता है, ये बेसिक मतलब छारी मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, इसी का ही। तो अब क्रिया कैसे होगी, पहले तो आपने सूत्र लिख दिया, ठीक, इसको फिर बैलेंस करना सिखा रहे हैं। देखो हमने बिगाड़ दिया, ये भी बिगाड़ दिया, ये सब बिगड़ गया, अब देखिएगा ये भी सब बिगाड़ दिया, फिर से बैलेंस करना सिखा रहे, दोबारा देख लीजिए कि भैया यहां पर कितने एचजी है, दो एचजी है, क्या करोगे, दो लगाएंगे, ठीक, क्योंकि एचजी और कहीं है नहीं दुनिया में, सिर्फ यहां पर है और यहां पर है, बस दो लगाना पड़ेगा। चार के हो गया, अब चार के आई निकलेगा, अभी हमने देखो लिखा था, ध्यान दीजिएगा, चार के आई हो गया, चार के खत्म, दोनों आई एचजी खत्म, आई आपके आठ है, आठ यहां पर चार और एक पांच, तीन आई बच गए, तीन एने लगा देंगे, तो तीन एने आई निकल जाएगा, तो तीन एने आई निकल गया। अब चेक करिए भाई, तीन एने भी चला गया, ये सब खत्म हो गया, यहां पर कितने हुआ, तीन, एक को यहां रखा तो दो बच गए, तीनों एच ए बच गए, यहां से एनएच टू जुड़ा, एच बच गया, तो चार एच और दो क्या हुआ, दो पानी निकला, ठीक, बात से कुछ सुना है कि नहीं। अब क्या होगा, अगर हम यहां पर KOH लगा दें, अब दूसरी क्रिया इसी की, ये तो NaH है, अगर यहां पर KOH लगा दें तो यहां पर सात के आई निकलेगा, बस NaI निकलेगा, सात के आई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि निस्तर अवक्रमक की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, तो भूरा अवक्षय प्राप्त होता है, ठीक, लिख लोगे आप लैंग्वेज यहां पर कि अमोनिया की क्रिया, अमोनिया वो तो लिखा था निस्तर अवक्रमक क्या है, अमोनिया की क्रिया निस्तर अवक्रमक के साथ कराते हैं, जिससे भूरा अवक्षेप आता है। या लिख सकते हैं यहां पर कि बेसिक मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड का भूरा अवक्षेप आता है, यहां पर लिख सकते हो, या डाल लिख सकते हो जिससे भूरा अवक्षेप आता है, और ये भूरा अवक्षेप किसका होता है, बेसिक मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड का होता है, ठीक। अब भी आपको समझ नहीं होगी कि पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के क्षारीय रूप को निस्तर उत्प्रक कहते हैं, अमोनिया की क्रिया निस्तर उत्प्रक के साथ कराते तो भूरा अवक्षेप आता है, और ये भूरा अवक्षेप होता किसका है,
बेसिक मर्क्यूरी के अमीनो हाइड्राइड का उसकी समीकरण हमने समझा दी। अब इसी के नीचे देखिए ये NaOH था, ऐसे KOH लिखकर दिखाएंगे आपको, ठीक। इसी के नीचे उसकी भी क्रिया ले सकते हो KOH वाली। ये मर्क्यूरी के अमीनो हाइड्राइड का सूत्र कैसे बना था, पोटेशियम मर्क्यूरी के अमीनो हाइड्राइड का सूत्र बताया था कैसे बना था कि अब भैया यहां पर KOH लिखेंगे या फिर एक घना समीकरण, एक कोई आइए, दोनों बातें की चीज है, और NH3 लिखेंगे। देखिए क्या बनाया था, सिग्मा बनता है, पढ़ा था हमने, सिग्मा वियोग को दर्शाता है, या ऐसे HG NH2 और I और डॉट HDO, या इसको सरल तरीके से बताया था कैसे, जैसे मैथ हम पढ़ते हो कि सिग्मा योग को दर्शाता वैसे ही है। यहां पर एक जी लगा दीजिए, यहां पर एक जी लगा दीजिए, यहां पर ओ कर दीजिए, एक जगह पर आई कर दो, एक जगह पर NH2, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे, बात एक ही चीज है, ठीक। अब इसको बैलेंस करना बताया था आपको, कैसे बैलेंस करते हैं कि दो HD है भैया तो यहां पर दो लगाना पड़ेगा, ठीक। चार के है अभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, आई देख लीजिए, आई आपके सबसे पहले वो बैलेंस किया करो जो सिंगल परमाणु कि आई यहां पर एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, इधर भी आई बैलेंस हो जाएगी। यहां पर कितने हैं, आठ, यहां पर कितना, एक, सात बच गए। सात के लिए क्या करें, चार तो हमको के यहां से मिल जाएंगे, बट के आई चुके निकलेगा आगे, के आई निकलना है और कहीं आई बनेगा नहीं, एन ए तो है नहीं यहां पर, तो जान तो आई आपके कितने, आठ, एक यहां चला गया तो सात यहां लगाना पड़ेगा, और सात के चाहिए आपको, चार ये मिल गए, तीन यहां पर लगा दीजिए, ठीक। आपके क्या हुआ, के सब बैलेंस है, एच जी बैलेंस, आई बैलेंस, के बैलेंस है, ठीक। वो आपका एक लगा, दो वो बच गए यहां पर, तीन एच बच गए, एक एन एस टू यहां चला गया, एक एच यहां बच गया आपके, दो पानी निकल गए, ठीक। चार एच और दो ओ मिलकर दो पानी बनाते हैं, ठीक। बात से कुछ सुनाएगी नहीं, ये हो गया भैया KOH, वो NaOH, अब क्रिया बिल्कुल सेम है क्योंकि इसमें लिखा है पोटेशियम मर्क्यूरी का ऑर्डर क्या, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन में KOH NaOH कोई भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से बेसिक मर्क्यूरी के अमीनो ऑर्डर का भूरा और छेप आता था, भूरा और छेप, ये आपके प्रैक्टिकल में एग्जाम में पूछता भी है कि निश्चल अपक्रमक क्या होता है, तो आपको ये बताना है, ठीक। अगली क्रिया आपकी है सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ क्रिया। अब भैया अगर आप सूत्र बनाना नहीं जानते तो बहुत दिक्कत होगी, देखिए आप लोग बताया पहले आए, देखिए ये क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब क्या होता है, सीएल माइनस, ठीक है, और हाइपोक्लोराइट होता है टा, ये ड है वो टा है, ठीक, हाइपोक्लोराइट टा, ये क्या होता है, ओ सीएल माइनस या सीएल ओ माइनस, और एक आयन होता है क्लोराइड टा, ये क्या होता है सीएल ओ टू माइनस, ठीक है, एक होता है क्लोरेट, क्लोरेट क्या होता है सीएल ओ थ्री माइनस, ये क्लोरेट आयन है। अगला एक और होता है पर क्लोरेट, पर क्लोरेट आयन क्या होता है सीएल ओ फोर माइनस, ठीक है, ये इतने होते हैं इसमें क्लोरीन से संबंधित आयन। ये क्लोराइड आयन है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ NaCl, और आप जल्दी में कभी कभी सोडियम क्लोराइड कह दे तो सूत्र गलत हो जाएगा, ठीक। एक अक्षर से सब चल जाता है यहां पर केमिस्ट्री में, ध्यान रखना भैया कि वो क्लोराइड है और ये क्लोराइड ट है, ट वो ड और ये ट, ध्यान रखना सब में ट चलेगा, सिर्फ ऊपर वाले में ड है बस। ऐसे ही आयोडाइड, ब्रोमाइड जैसे सीएल वाले हैं, ऐसे ही बी आर और आई वाले भी एन बिल्कुल सेम होते हैं, अगर आप इनको तैयार कर लें तो वो भी तैयार हो जाएंगे, ठीक। और अगर आपको आयन तैयार हो जाएंगे तो सूत्र
बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और जब सूत्र बनाना आप सीख जाओगे तो समीकरण लिखना भी सीख जाओगे, ठीक। और जब आप सूत्र ही नहीं बना पाते तो समीकरण कहां से लिखोगे। और थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना होता है कि कौन सा पदार्थ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, और ये जब ही मालूम होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो देखिए अमोनिया की क्रिया भी है, ये अमोनिया हमने लिख दिया, इसकी क्रिया किससे होगी, सोडियम हाइपोक्लोराइट से। देखो भाई ये आपका है ना सूत्र आयन का, और इन्हें पर एक प्लस इस पर एक माइनस, सूत्र बन गया। आप कहते हैं कैल्सियम हाइपोक्लोराइट का सूत्र बनाओ, चूंकि कैल्सियम पर दो प्लस होता है और वो सीएम माइनस है, त्रिचुगुणा कर देंगे आपका होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से गुणा करते हैं ट्वाइस हो जाएगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा सूत्र में कंफ्यूजन मत करो। देखिए एनएस थ्री प्लस सोडियम, सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसके साथ क्रिया होगी हाइड्रोजन बनेगा NH2, या इसको लिखते हैं N2H4। ये हाइड्रोजन है, सेकेंड टर्शियरी समीकरण पढ़ोगे तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया पढ़ेंगे आप, ठीक। NH2, चूंकि इसकी संरचना इस तरीके से होती है इसीलिए हमने NH2 करके लिख दिया इस तरीके से, ठीक। ये भी क्षारीय चूंकि इस पर लोन पेयर है, ठीक, इसीलिए। और सरलता के लिए आप N2H4 भी लिख सकते हो, वैसे इस तरीके से लिखते हैं NH2 हाइड्रोजन। भैया बैलेंस करेंगे, देखिए कैसे बैलेंस होगा भाई, NH2 कितने दो बार, तो आपको दो अमोनिया लगानी है, फिर क्या होगा यहां पर दो H बच गए कि नहीं बच गए, और एक वो इसका बन जाएगा चूंकि NaCl इसकी क्रिया होगी तो NaCl बनेगा, ठीक। प्लस अब क्या हुआ, इससे एक वो बच गया और यहां पर दो H, तो बताओ क्या बना, पानी, इसकी समीकरण हो गई, ठीक। कि अमोनिया की क्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराएंगे हाइड्रोजन बनता है, डायरेक्ट सार में लेकर ले सकते हो हाइड्रोजन बनता है, बस लैंग्वेज में इतना लिख दीजिए बहुत है, हाइड्रोजन बनता है। सबसे मुख्य होती समीकरण है, आपको यह तैयार करना लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, आप जब समीकरण लिख लोगे तो आसानी से आप जो है लैंग्वेज में लिख लेंगे कि अवस्थिरी की क्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराते हैं जिससे हाइड्रोजन बनता है, तो हाइड्रोजन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए NH2 N2H4, बैलेंस करेंगे N2 पे यहां पर 2 लगा दिया, H4 है तो 2H बच गए, एक वो ये बच जाएगा आपका, एक पानी धराधर निकलेगा, ठीक, और आपका NaCl भी निकल जाएगा। इस तरीके से समीकरण ये हो गई सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्रिया। अगली क्रिया देखिए फॉस्जीन के साथ क्रिया, हाँ इस नाम में थोड़ी कंफ्यूजन रहता है, इसे देखिए फॉस्जीन के साथ क्रिया, एक सूत्र होता है फॉस्जीन, एक होता फॉस्फीन, ये फॉस्जीन है और ये फॉस्फीन है। अब आपके कोर्स में नहीं रहा नहीं तो इस कोर्स में पढ़ाते, 30% कोर्स हटा तो उसमें ये फॉस्जीन गैस हट गई, ये फॉस्जीन गैस है और इससे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती, ठीक, सड़ी मछली जैसी गंध आती, सॉरी अंडे नहीं, सड़ी हुई मछली जैसी इससे गंध आती, और ये फॉस्जीन है, ये फॉस्फीन है, ये फॉस्जीन है, ये कार्बोनिल क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और ये बहुत ही विषारी होती है, ठीक। आपने हो सकता है पढ़ा कभी भी कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में और 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं, अन्यथा क्लोरोफार्म का वायु की ऑक्सीजन द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात फॉस्जीन गैस में ऑक्सीकरण धीरे धीरे हो जाता है, ठीक, जो एक विषैली गैस है, ध्यान रखना इसीलिए, ठीक। तो यहां पर फॉस्जीन गैस के साथ क्रिया होगी, क्या बनेगा, यूरिया बनता है, ये तैयार करना पड़ेगा आपको, यूरिया बनता है। तो फॉस्जीन की क्रिया है किसके साथ है, यूरिया अमोनिया के साथ है, क्या बनेगा, यूरिया,
यूरिया बनेगा, यूरिया का सूत्र बताया था NH2CO NH2। बैलेंस करिए भैया, यहां पर देखिए दो NH2 NH2 है, दो लगा देंगे, दो लगा देंगे। यहां पर भैया क्या बचा, दो H बच गया, CO वहां जुड़ गया, दो CN बच गया, क्या हुआ, दो HCl निकल गया, दो HCl निकल गया, क्या बना, यूरिया। इसका नाम, इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, यह आपकी फास जीव गैस है, ये विषैली होती है, ठीक। इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे, यूरिया बनेगी, क्या बनेगी, यूरिया। तो ये यार आप कहीं पर लिख लेना, किसी पेज पर या वहीं कॉपी पर कहीं साइड में रिपोर्ट बनाकर लिख लेना, क्योंकि आपको ये आयन बहुत काम आएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए क्रिया है तप्त कॉपर ऑक्साइड, तप्त कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया, और अभी आपकी यह क्रिया सब रिवीजन होंगी। जैसे ही आपका वर्क फंडा खत्म हो गया, क्या होता, कैसे प्राप्त करें क्रिया, आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका सबका रिवीजन होगा। देखिए भैया तप्त कॉपर, ये तप्त है मतलब गर्म, उसमें NH3 गैस प्रवाहित करेंगे, क्या बनती है, N2 बनती है, N2 नाइट्रोजन गैस बनती है। अमोनिया से नाइट्रोजन गैस बनाना कई बार पूछा गया है, तो उसमें सब क्रिया का यूज कर सकते हो। एक और क्रिया है कि अमोनिया के अधिक में क्लोरीन प्रवाहित करते तो भी N2 बनती है, इस दिन पढ़ाई की आपको, ठीक। तो अमोनिया से नाइट्रोजन बनाने के दो मेथड आपके ये हो गए, एक मेथड ये, एक मेथड वो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। अब देखिए भैया इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये N2 है और N2 है तो यहां पर दो लगाना पड़ेगा, क्योंकि N और कहीं भी है नहीं, यहां पर N2 है तो दो लगाना पड़ेगा। अब भैया क्या हुआ, देखो ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अब चीट करता तो कॉपर बन गया, ये कॉपर बन गया। अब क्या बचा है, H बचा है और O बचा है, जान तो O और H मिलकर क्रिया करेंगे, पानी बनाएंगे धनाधन, ठीक है। अब बताओ कैसे बैलेंस होगा भैया, H यहां पर 3 दुनी 6 और 6H है और आपके 6H है तो 3O होने चाहिए कि नहीं, और तभी तो आप क्रिया होगी, तभी तो 3 पानी बनेगा भाई, हमारे पास 6H तो है ही और यहां 3O होने चाहिए तभी तो 3 पानी बनेगा, और 3O क्या, यहां पर 3 लगा दिया, और जब 3 लगा दिया तो क्या हुआ बताओ भाई, 3 लगाया तो यहां पर 3 कॉपर हो गया, तो 3 यहां भी लगा देंगे, जितने चाहो यहां पर उतने लगा दो, उतने कॉपर निकल जाएगा, लेकिन ये देखेंगे कि कितने एच है उसी के अनुसार तो यहां लगाएंगे, तो यहां पर 6H है, यहां पर 3 लगा दिया, 3O और 6H मिलकर 3 पानी बनाते हैं, और 3 पानी बना भी लिया, ठीक, और इसीलिए हमने यहां पर 3 लगाया, 3 कॉपर आपका बन गया। तो यहां पर लिखेंगे तप्त कॉपर ऑक्साइड में NH3 प्रवाहित करते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस बनती है, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा नाइट्रोजन गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। इस प्रकार आपके NH3 के गुण खत्म हो गए रासायनिक। तो इसमें लिखेंगे उपयोग, नंबर एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में, अभिकर्मक के रूप में। सेकंड नंबर द्रव NH3 का उपयोग, द्रव NH3 का उपयोग प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडक पहुंचाने में, जैसे बर्फ बनाने में
कोल्ड स्टोर में भी जो है ठंडक पहुंचाने के लिए द्रव MS3 का उपयोग करते हैं। प्रसिद्ध मंत्र होता है ठंडक पहुंचाने में, ठीक, कोल्ड स्टोर है, बर्फ बनाने में है, द्रव MS3 का उपयोग करते हैं। उसके बाद लिखोगे नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, जैसे यूरिया आपने पढ़ा था, फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं, तो नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में औद्योगिक मात्रा में MS3 के निर्माण में, MS3 का जब औद्योगिक निर्माण पढ़ेंगे तो आप सावे प्रक्रम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे NS3 से बनाते हैं, ठीक, कि NS3 का पहले ऑक्सीकरण करते हैं जिससे यरो बनती NO, और फिर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो NO2 बनेगी और ये पानी में घुल जाएगी, औद्योगिक मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में नाइट्रिकम बनेगा, वहां पढ़ेंगे, ठीक। यहां पर लिखेंगे NS3 के औद्योगिक निर्माण में नाइट्रिक अम्ल के, अब अगला यौगिक यही पढ़ेंगे आप लोग, नाइट्रिक अम्ल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में। तो इस तरीके से पहला उपयोग हो गया प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, द्रव NS3 का उपयोग प्रशीतक मतलब ठंडक पहुंचाने में, जैसे बताया था बर्फ बनाना है, कोल्ड स्टोर में ठंडक पहुंचाना है, नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने मतलब फर्टिलाइजर बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में,